केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 14, क्लास 8, एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, बाद में क्वेश्चन लिख के लेना, नहीं तो वीडियो भी स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट लिक्विड्स That conduct electricity are solutions of क्या क्या रहेगा उसका आंसर, एसिड्स, बेसेस एंड क्या रहेगा, सॉल्ट्स, है ना। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन कॉजेस क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, कॉपर किधर डिपोजिटेड होगा, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जैसे कोई चमचा रहेगा, यानी कि उसको ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया जाता है, किसी के ऊपर गोल्ड का कवर चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर, व्हेन द जो टेस्टर रहता है घर में, जो इलेक्ट्रिक करंट चेक करने के लिए यूज किया जाता है, टेस्टर डिप्ड इन टू सोल्यूशन, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, तो इसका आंसर क्या है देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इनकी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। इट मींस द लिक्विड और द सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड और द सॉल्यूशन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीटेड, इनकी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, इनकी टेस्टर में भी, हाँ, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, है ना, तो उसमें से भी क्या जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन थ्री एग्जाम में आ सकता है, फास्ट ट्रैक करो उसको। आपको डायग्राम दिया है, नेम थ्री लिक्विड्स, तीन लिक्विड्स के नाम बताना है आपको, नेम थ्री लिक्विड्स विच वेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.9 मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, है ना। तो ऐसा डायग्राम दिया है आपको, तो तीन लिक्विड के नाम बताना है। देखो तीन लिक्विड के नाम क्या क्या बताएंगे बोलो, तीन लिक्विड के नाम क्या क्या रहेंगे, एक ग्राउंड वाटर जो बोरिंग का पानी रहता है, विनेगर रहेगा, नहीं तो कोई भी संतरा मौसमी का जूस, सिट्रिक फ्रूट जूस, हाँ, डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, है ना। इनकी द लिक्विड सोल्यूशन उसमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, बेसिक और एसिडिक, है ना, उसमें सॉल्ट चाहिए, उसमें सॉल्ट रहेगा ही, उसमें सॉल्ट चाहिए, है ना, ग्राउंड वाटर नहीं तो विनेगर, सिट्रिक फ्रूट जूस, है ना, उसमें सॉल्ट चाहिए, तो ये करंट क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ दिया है देखो, क्वेश्चन फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी फाइव स्टार करो। तो क्या दिया है, द बल्ब डज नॉट ग्रो इन द सेटअप शोन इन द फिगर 14.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस एंड एक्सप्लेन यूर आंसर, ऐसे दिया है उन्होंने। तो देखो इधर क्या दिया है, एक सेल दिया है और दूसरा सेल उसको कनेक्टेड किया सीरीज में, और उधर लैंप लगाया ना, लैंप लगाया और वो किधर डिप किया है, दोनों उसके पिन सॉल्यूशंस में डिप किया है ना। तो उन्होंने क्या पूछा है, द बल्ब डज नॉट ग्लो, है ना, बल्ब क्यों नहीं ग्लो होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो क्या क्या रहेगा इसका आंसर, क्योंकि जो लिक्विड सॉल्यूशन है डिस्टिल वाटर, इनकी प्योर वाटर रहेगा, है ना, जो प्योर वाटर है ना, जो हम बिस्लेरी पीते हैं, वो डिस्टिल वाटर रहेगा, तो उसमें करंट नहीं जाएगा, और कभी कभी बल्ब में भी फ्यूज, है ना, बल्ब का शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा तो भी बल्ब वो क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा, है ना, बल्ब क्या रहेगा, वो फ्यूज रहेगा, है ना। उसके बाद द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देर आर नो सफिशियंट चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब टू ग्लो, है ना, यानी बैटरी क्या हुआ रहेगा, एग्जॉस्टेड, यानी वो खराब हुआ रहेगा, यानी कि उसमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो होगा क्या, वो
नहीं होगा ना। तो ये पॉसिबल है कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो होगा? एक तो उसमें डिस्टिल वाटर रहेगा, एक तो बल्ब को क्या हुआ रहेगा, फ्यूज हुआ रहेगा, नहीं तो बैटरी क्या हुआ रहेगी, एग्जॉस्टेड हुआ रहेगा, और नहीं तो क्या रहेगा उसमें कनेक्शन में, क्या रहेगा, लूज कनेक्शन, यानी कि एयर गैप्स करेगा, यानी कि क्या रहेगा, एयर गैप्स करेगा, लूज कनेक्शन रहेगा। आएगा समझ में? उसके बाद क्वेश्चन फाइव करेंगे। देखो क्वेश्चन फाइव क्या दिया है, क्वेश्चन फाइव दिया है अ टेस्टर इज, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स लेबल ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। लिक्विड ए में बल्ब कैसा, तो टेस्टर का बल्ब कैसा ग्लो हो रहा है, ब्राइटली, व्हाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड। हाँ, लिक्विड बी में कैसा, टेस्टर का बल्ब कैसा ग्लो हो रहा है, डिमली हो रहा है। यू वुड कंक्लूड दैट, तो ऑप्शन वन दिया है, ऑप्शन टू दिया है, ऑप्शन थ्री दिया है और ऑप्शन फोर है। तो लिक्विड ए में, हाँ, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ब्राइटली ग्लो हो रहा है, यानी कि ब्राइटली ग्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या, उसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिकल का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। आएगा समझ में? इनके अच्छे से, इनकी वो जो लिक्विड है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, इसलिए हाँ, तो जो लिक्विड है वो क्या रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। आएगा समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोटो भेज देता, देखो देखो फोटो भेज दिया मैंने एक, उसके बाद नेक्स्ट फोटो भी भेज देता आपको। देखो हाँ, वो करेंगे हम। देखो हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, तो क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया है, डज पुअर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पुअर वाटर कंडक्ट कर सकता है क्या, है ना, पुअर आर डिस्टल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, उसमें सॉल्ट नहीं रहता है ना, ये सॉल्ट नहीं रहते, इसलिए वो, देयर फोर इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट नहीं कर सकता। सपोज उसमें हम इम्प्यूरिटी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, विनेगर डालेंगे, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आया समझ में? हाँ, सॉल्ट डालेंगे, है ना, कुछ भी इम्प्योरिटीज डालेंगे तो कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन सेवन दिया है, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस, दिस शट ऑफ ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो। देखो द वाटर, वाटर में क्या रहता है, यूजुअली सॉल्ट रहता है और इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो टू सेव देम सेल्स और इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है उसको, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए फायरमैन क्या करता है, जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको क्या करता है, स्विच ऑफ करता है, हाँ बंद कर। आएगा समझ? नेक्स्ट उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर एट दिया है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विथ हिज टेस्टर, ही फाइंड द कंपास इन द डिप्लेक्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो ड्रिंकिंग वाटर वो क्या रहता है, केमिकली ट्रीटेड क्या रहता है, उसमें इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर क्या रहता है, प्यूरिफाइड बाय रिमेनिंग, हाँ निकाला रहता है, सॉल्ट नहीं रहता। व्हाइल द सी वाटर में बहुत लॉट्स ऑफ मिनरल और सॉल्ट रहता है, देयरफॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयंस, यानी कि मोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए उसका जो टेस्टर है, उसका जो मैग्नेटिक निडल है, वो किधर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, सी वाटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर नाइन, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर, एक्सप्लेन, है ना, जब हेवी डाउनपोर हो रहा है तो लेके जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वाटर क्या रहता है, गुड कंडक्टर, तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, इसलिए वो हेवी, यानी कि शॉक
लग सकता है, इसलिए वो बाहर लेके नहीं जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पहली हैड हर्ड द रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल वाटर, सो शी कलेक्टेड सेम रेन वाटर इन क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर, टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, व्हाट कुड बी द रीजन, है ना। हेलो हाँ, एयर इज अवर सराउंडिंग कंटेन्स बहुत सारे गैसेस रहते हैं, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स पोल्यूटेंट्स रहते हैं, और ये सारे पार्टिकल्स डिजोल्व रेन वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, और रेन वाटर क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके एक्ट होगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि आपके अराउंड में जो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स कैंस आर टिन प्लेटेड, कोल्ड ड्रिंक्स का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, थर्मास फ्लास्क भी बोल सकते हैं, है ना, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड किया जाता है, हाँ, और साइकिल का हैंडल भी हाँ चम्मच भी रहता है, सोने का चांदी का चम्मच, है ना, मेटल डोर्स, है ना, मेटल के जो डोर्स वो गोल्डन कलर के किया रहता है, नहीं तो डोर हैंडल्स और जिंक प्लेटेड क्या रहता है, मेटल के डोर्स और डोर हैंडल्स, आया समझे उस, हाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक एक्टिविटी दिया है, यानी कि जो कॉपर का प्यूरिफाई, यानी कि कॉपर जो तांबा रहता है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज और डस्ट रहता है, तो प्यूरिफाई करने के लिए देखो, द प्रोसेस दैट यू सेव इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज एज इलेक्ट्रोड, यानी कि एक थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर लिया है और दूसरा थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर लिया, एक प्योर है और दूसरा इम्प्योर है, कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसपोर्ट टू अ थिन कॉपर प्लेट विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड वाई। देखो इम्प्योर कॉपर प्लेट है ना, इम्प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो इम्प्योर कॉपर प्लेट है उसको किधर कनेक्टेड करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो प्योर कॉपर कॉपर मेटल है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड करेंगे, क्योंकि कॉपर आयंस क्या रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो कॉपर आयंस रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, और वो किधर अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रो टर्मिनल, किसके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के इधर।